कैंसर का गांव अब तक सौकी हो चुकी है मौत। वैसे तो कैंसर की बीमारी अब धीरे धीरे पैर पसारती जा रही है, लेकिन जिले में इस बीमारी का प्रकोप एक गांव में जरूरत से ही ज़्यादा फैल रहा है। इस बीमारी के प्रकोप से ग्रामीण काफ़ी परेशान है। वही स्वास्थ्य विभाग है कि तंबाकू के सेवन की वजह बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। हम बता कर रहे हैं कि फ्लोया जिले के वाडरी गांव की, इस गांव में लगभग 300 परिवार रहते हैं, 3200 की जनसंख्या है। अब तक इस गांव में 100 से अधिक ग्रामीण की कैंसर की बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं ताज़ा हालात यह है कि 35 से अधिक ग्रामीण कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। इसमें से 8 मरीजों की हालत बेहद नाजुक है और कभी भी दम तोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं का आलम यह है कि ऐसी भयानक बीमारी से निपटने के लिए गाँव में कोई समुची व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद जर्जर है और ना ही वहां पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारी रोजमर्रा पहुंचते हैं। ग्रामीणों की माने तो इस बीमारी का भयानक दंश झेल रहा है। ग्रामीणों के लिए सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। गाँव के ग्रामीण बड़े डरे सहमे से हैं और कई परिवार में तो 2-3 मौतें इस बीमारी से हो चुकी हैं। हालांकि जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं और उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पर कैंप भी लगाए गए हैं और इस गांव में सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी से ज़्यादा पीड़ित रहा है कुछ समय से, और इसमें मौतें भी हो गई हैं, बहुत हो गई हैं, और 15-20-25 पेशेंट तो अब भी खुले हुए हैं जिनकी पोजीशन बताती है, और कुछ ऐसे भी पीड़ित हैं इनको 4-6 रोज भी नहीं कट रहा है। कुमार प्रदीप जी, ये तस्वीर आपके हाथ में किसकी है? मेरे भाई की है, मनोज कुमार भाई है। तो ये कैसे एक्सपायर हो गए और क्या बीमारी? इनको कैंसर की बीमारी हो गई थी सर, हमने इनका इलाज कराया था, सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिली, अपना सारा पैसा घर से लगाया, कर्जा कर्जा करके, लेकिन बाद में खत्म हो गया एक्सपायर। ये सर ऐसा है कि हमारा गाँव भाड़ी है और ये इसमें कैंसर की बीमारी ज़्यादा है। इस कैंसर से जो है हमारे भाई से भी ख़त्म हुए हैं और अन्य लोग भी ख़त्म हुए हैं, और कुछ अभी कैंसर की बीमारी चल रही है और उसमें कई ज़्यादा बीमार हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे कई सारी मौत हो चुकी हैं, लोग समझ नहीं पाए, जो बुजुर्ग लोग थे वो नहीं समझ पाए। तो सबसे पहले मेरे गाँव में एक प्रधान थे, पूर्व प्रधान अस्पताल यादव, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ, उन लोगों ने ट्रीटमेंट कराया तो उन्हें पता चला कैंसर है उन्हें। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई, करीब 6वें महीने में उनकी डेथ हो गई उनका इलाज के दौरान। उसी के 2 महीने बाद उनकी माताजी को भी कैंसर हुआ, फिर उन्होंने वही इलाज मतलब ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उन्हें भी कैंसर है। वहाँ सरकार की तरफ से सहायता राशि भी मरीजों को दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस बीमारी के लिए ग्रामीण द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तंबाकू की को मुख्य बजाय बता रहे हैं। यह स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी मौतों के बाद भी प्रशासन अभी तक क्यों हरकत में नहीं आया और गांव में तंबाकू पूरी तरह से बैन क्यों नहीं की गई। अब देखना यह है होगा कि जिला प्रशासन भारत स्वास्थ्य विभाग वाडरी गांव के लिए कैंसर जैसी बीमारी से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाता है या फिर तंबाकू का बहाना बनाकर ग्रामीणों को इसी तरह उनके हाल पर छोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद।